हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके। यह करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप यूपीएससी दो, एसएससी दो, आरपीएससी दो, या अदर कोई टेक्निकल एग्जाम दो या नॉन टेक्निकल एग्जाम दो, करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज 27 नवंबर 2018 वार मंगलवार। मेरे प्यारे साथियों, यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी फॉलो करें और राजस्थान जीके मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का मजा लें। करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज, हेल्प सेंटर इत्यादि के लिए आप हमें यूवी कॉम्पिटिशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द यूनाइटेड नेशंस हैज सेलेक्टेड उत्तर प्रदेश नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा टू पार्टिसिपेट इन इट्स ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज 2025 इनिशिएटिव। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा को अपने ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज 2025 पहल में भाग लेने के लिए चुना है। नेक्स्ट है, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर फॉर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब इन पाकिस्तान। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पाकिस्तान में गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के लिए डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट, द फोर्थ एडिशन ऑफ एनुअल आदि महोत्सव ए नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन एसोसिएशन विद ट्राइफाइड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू सेलिब्रेट एंड चेरिश द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर क्राफ्ट क्यूसिन एंड कॉमर्स हेल्ड एट दिल्ली हार्ट श्री अरबिंदो मार्ग INA दिल्ली। दिल्ली हार्ट श्री अरबिंदो मार्ग INA दिल्ली में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और वाणिज्य की भावना का जश्न मनाएं और आनंद लेने के लिए वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का चौथा संस्करण जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा ट्राइफेड और संस्कृति मंत्रालय के साथ आयोजित किया जा रहा है। तो ये थे आपके नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचार। बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। एडमिरल सुनील लांबा चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ CNS इंडियन नेवी इज ऑन ए विजिट टू रशिया। भारतीय नौसेना के नौसेना प्रमुख CNS एडमिरल सुनील लांबा की यात्रा पर है। नेक्स्ट, मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला साहिद हैज अराइव्ड इन न्यू दिल्ली ऑन ए 4-day विजिट टू इंडिया। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद भारत की 4-दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचारों की। समीर वर्मा हैज वॉन द सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप मैंस सिंगल फाइनल अगेंस्ट चाइनाज गुनगु लू टू अटेन द टाइटल। हाउएवर फॉर्मर चैंपियन साइना नेहवाल लॉस्ट टू हैन यू ऑफ चाइना इन वुमेन सिंगल समिट क्लैश एंड वोन सिल्वर। समीर वर्मा ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली है। हालांकि पूर्व चैंपियन साइना नेहवाल महिला एकल मुकाबले में चीन के हन यू के हार गई और रजत पदक जीती। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया क्लिंच्ड वुमेन्स वर्ल्ड 2020 टाइटल एज दे अटेंड एन ईजी विन ओवर इंग्लैंड इन द फाइनल ऑफ द वुमेन्स वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलिया ने महिला विश्व 2020 खिताब जीता। उन्हें महिला विश्व 2020 टूर्नामेंट के फाइनल में इंग्लैंड पर आसान जीत दर्ज की।
महिला विश्व 20 टूर्नामेंट के 6वें संस्करण में ऑस्ट्रेलिया ने चौथा खिताब जीता है। नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज, बैंकिंग समाचार। द गवर्नमेंट विल री इन्फ्यूज 42,000 करोड़ रुपीज इन द स्टेट ओमंड बैंक बाय मार्च एंड द नेक्स्ट ट्रेंच वुड बी रिलीज एज एजिली अर्ली एज दिसंबर 2018 अकॉर्डिंग टू ए सीनियर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सरकार मार्च अंत तक राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में 42,000 करोड़ रुपए जुटाएगी और अगली किस्त दिसंबर 2018 तक जारी की जाएगी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज। नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 26 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल डेयरी एंटरप्रेन्योर डॉक्टर वर्गीस कुरियन द फाउंडर ऑफ डेयरी फर्म अमूल। भारत के सबसे सफल डेयरी उद्यमी डॉक्टर वर्गीस कुरियन डेयरी फर्म अमूल के संस्थापक की जयंती के अवसर पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज है, 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। ऑन दिस डे इन 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड विच कम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950 मार्किंग द बिगनिंग ऑफ ए न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1949 में संविधान अपनाया गया था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डालें। यूवी कंपटीशंस चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फेसबुक इंस्टाग्राम और अनअकैडमी पर फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।